मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर विद द फिफ्थ चैप्टर दैट इज सब्सिडरी बुक्स. नाउ इन द स्टार्ट ओनली आई टोल्ड यू द प्राइम द मेजर बुक ऑफ अकाउंटेंसी प्रोसेस. ओके, द स्टार्टिंग वे द अकाउंटेंसी प्रोसेस स्टार्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज, ओके, फॉर मॉनिटरी वैल्यू और फॉर मनी टर्म्स, ओके, दैट इज नोन एज ट्रांजेक्शन. ओके, अ ट्रांजेक्शन इज फॉर्म. जब हम लोग कुछ भी एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि गुड्स हो, सर्विसेज हो, वे बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस. और जहाँ पे मनी का एक्सचेंज होता है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, दैट थिंग इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन. अ ट्रांजेक्शन इज फॉर्म. और जब ये ट्रांजेक्शन फॉर्म होता है तो हम लोग उसको अपने मेन बुक, द प्राइम बुक, ओके, जिसको बोलते हैं हम लोग जर्नल, ओके, उसमें एंट्री करते हैं. नाउ when you take a situation where there are n number of transaction, where there are many transactions in a day, okay, जैसे कि बड़ी बड़ी companies हैं जहाँ पर बहुत सारे transaction हैं. और हम लोगों ने last two chapters में भी देखे कि transaction बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि purchase का, sales का, then started business, पेमेंट का, रिसिप्ट का. सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, GST कैलकुलेशन, SGST, CGST, इनपुट GST, आउटपुट GST. तो ये हम लोगों ने देखा. तो आप जब बड़ा कंपनी, मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट अ वेरी ह्यूज कंपनी वेर द ट्रांजेक्शन्स आर मतलब मोर देन 100 और मोर, मतलब ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, सो इन दैट केस जर्नल बुक के अलावा और भी बुक्स मेंटेन किए जाते हैं. वे अ सेपरेट बुक इज मेंटेन फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अ ट्रांजेक्शन. जैसे कि अभी जर्नल बुक हो गया, जब कैश का ट्रांजेक्शन करते हो तो कैश बुक, बैंक का ट्रांजेक्शन करते हो कैश प्लस बैंक बुक, ओके, व्हेन परचेजेस आर डन इट विल बी रिटन इन परचेज बुक, व्हेन सेल्स आर डन इट विल बी एंटर्ड इन सेल्स बुक, जब कोई सेल्स रिटर्न होता है या परचेज रिटर्न होता है तो इट विल बी एंटर्ड इन दोज बुक. सो हियर फॉर एवरी थिंग देर इज अ सेपरेट बुक विच इज मेंटेन एंड दोज बुक आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड नीड फॉर मेंटेनिंग सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक विद कैश कॉलम, कैश बुक विद बैंक कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, सिंपल एंड एनालिटिकल कैश बुक विद इम्प्रेस सिस्टम अंडर पेटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर. तो इतने सारे बुक्स आप लोग क्या करेंगे, इस सब्सिडरी बुक में आप लोग पढ़ेंगे. एंड दीज आर वेरी ईजी वंस. ओके, ओनली थिंग यू शुड नो द रूल्स, जब ट्रांजेक्शन होता है तो कौन से अकाउंट आएंगे और अकाउंट के व्हेन द अकाउंट कम्स तो कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, जैसे कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और अपने नॉमिनल अकाउंट का डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. तो इतने रूल अगर आप लोगों को याद है देन दिस एंट्रिंग इन दिस सब्सिडरी बुक्स आर वेरी ईजी. नाउ द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक. नाउ दिस जर्नल, ये जो जर्नल है, जो प्राइम बुक है, ओरिजिनल बुक है, इट इज़ सब डिवाइडेड इन टू मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स. ओके, दोज आर नोन एज सब्सिडरी बुक्स. ओके, नाउ द सब डिविजन ऑफ जर्नल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज सब्सिडरी बुक. दिस बुक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज और प्राइम एंट्रीज, बिकॉज द ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स एंड देन इट इज पोस्टेड टू द लेजर. Now why there is a need of maintaining subsidiary book? हम लोग subsidiary book क्यों maintain करते हैं? First one is specialization. When the staff is appointed for the same type of a work, it leads to specialization and increase in efficiency. Okay, जैसे कि purchase के लिए एक purchase department के लिए एक purchase book,
सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स बुक, अगर कुछ रिटर्न हुआ तो परचेस बुक में एंट्री करेंगे। अगर हम लोगों को किसी ने रिटर्न किया तो हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में मेंटेन करेंगे। कैश का जो हैंडल करते हैं ही विल मेंटेन कैश बुक, अकाउंट्स डिपार्टमेंट विल मेंटेन कैश बुक विद द बैंक कॉलम। ओके, सो ऐसे बुक मेंटेन करेंगे तो हर एक पर्सन विल नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर बुक और अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सेकेंड इज टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। ओके, ये जो है द प्रिंट इज नॉट सो क्लियर, बट सेकेंड पॉइंट इज टाइम एंड सेविंग एंड इकोनॉमिकल। नाउ अगर अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है इफ इट इज टेकन बाय ओनली वन पर्सन देन इट विल बी अ टाइम सेविंग, अदरवाइज इफ यू मेंटेन ओनली वन बुक और सारी एंट्री एक ही पर्सन करने वाला है देन इट विल बी टेकिंग मोर टाइम एंड ऑल्सो इट विल बी मोर कॉस्टली ऑल्सो। सो वेन अ सेपरेट बुक्स आर मेंटेन इट विल बी टाइम सेविंग एज वेल एज इट विल be an economical way of maintaining books of account. Next is division of work. Now the writing of ये जब हम लोग subsidiary books maintain करते हैं then there will be different clerks who will be writing the subsidiary books. So it will be easy to keep the books up to date. नेक्स्ट इज क्विक इन्फॉर्मेशन एंड फ्यूचर रेफरेंस। ना सब्सिडरी बुक्स जो है इट विल गिव यू द क्विक इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ, जैसे कि परचेजेस कितने हुए हैं तो यू कैन गो थ्रू द बुक एंड यू कैन फाइंड आउट हाउ मच परचेजेस आर डन। इफ इट इज सेल्स यू कैन नो इमीडिएटली हाउ मच द सेल्स हैज बीन डन। नेक्स्ट इज इंटरनल चेक्स। नाउ व्हेन सेपरेट क्लर्क्स मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट व्हाट हैपेंस, देयर विल बी एन इंटरनल चेक ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो जो हमारे कैटेगरीज है जैसे कि परचेज है सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न, तो उनके लिए बुक्स मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन। नाउ देर आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दैट टेक्स प्लेस इन द बिजनेस। फर्स्ट वन इज कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स। ओके, नाउ व्हेन द कैश और बैंक ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस देर आर फोर टाइप्स ऑफ बुक दैट आर अफेक्टेड, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, बैंक बुक, टू कॉलम कैश बुक, दैट इज हियर इन कैश बुक देर विल बी बैंक कॉलम ऑल्सो एंड पेटी कैश बुक। पेटी मतलब स्मॉल, जैसे कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स रहते हैं जैसे कि वेन द टी इज ऑर्डर और वेन द रिफ्रेशमेंट इज ऑर्डर और वेन स्मॉल स्मॉल स्टेशनरीज आर ब्रॉड और छोटे छोटे जो विच आर वेरी लेस, मतलब उसके लिए हर एक के लिए हम लोग बैंक से पेमेंट या कुछ नहीं कर सकते, फॉर दोज ट्रांजेक्शन अ पेटी कैश बुक इज मेंटेन, पेटी मतलब स्मॉल। When there is credit transactions, okay? When there is credit transaction, there are four books which are affected. That is purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, okay? When there is bill transaction, bills receivable book, bills payable book. Others, that is journal proper. So altogether, there are four books which are maintained. That is cash book, पेटी कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक विच इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक विच इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड बुक एंड जर्नल प्रॉपर। सो दीज आर द फोर सेवन टाइप्स ऑफ बुक्स विच आर मेंटेन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन। ओके, सो यू ऑल हैव टू लर्न दिस सेवन बुक्स। ओके, दे आर वेरी ईजी। सो यार हम लोगों को अभी यहाँ ये सब्सिडरी बुक्स देख के पता चला कि फॉर एवरी ट्रांजेक्शन देर इज़ वन बुक विच इज़ अफेक्टेड। कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसके लिए एक बुक कौन सा तो अफेक्ट होता है, ए वन और टू। ओके, डिपेंड्स ऑन द ट्रांजेक्शन हाउ इट इज। सो फॉर टू बी अ स्पेशलाइज टू बी सिस्टमैटिक इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी कंपनी मेंटेन्स अ सेपरेट बुक ऑफ अकाउंट। ओके, इफ दे मेंटेन अ सेपरेट सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट दोज आर द सब्सिडरी बुक देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम, दे हैव गिवन द नीड दैट इज हियर देर इज अ स्पेशलाइजेशन, इट इज टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, देर इज डिविजन ऑफ वर्क,
There is quick information and future references, and the last one is internal check. So that's why मेंटेनिंग ऑफ दिस सब्सिडरी बुक्स आर इम्पॉर्टेंट. सो यर हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में वॉट वी विल सी द कैश बुक, हाउ टू मेंटेन द कैश बुक. सो कैश बुक इज वॉट अ कैश बुक. यर ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. ओके, ना कैश बुक हैज़ टू साइड्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड. ओके, ना द लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, दैट इज योर डेबिट साइड, देयर विल बी ऑल द रिसिप्ट साइड. ओके, दैट इज व्हेनेवर यू रिसीव कैश इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, एंड when you do the payment, okay, it will be recorded in the credit side. Okay, so here the rule is what, cash account ka rule kya hai, debit what comes in, credit what goes out. So when you receive, then you will debit, that is debit what comes inside the business. When cash is coming inside the business, you will debit it, and when cash is going out of the business, you will credit it, because the rule of real account is what, debit what comes in, credit what goes out. Okay, so that thing you should remember. So your cash book will have what, two columns, right hand side and the left hand side. So all the receipts and payment will be recorded in the cash book. So cash book jo hai, it is here all the original entries will be made which are done with the cash will be recorded in the cash book. So we'll see this thing in detail in the next class.